Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord 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 Jesus. Bless your holy name. Lord, we 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 bless your holy name. Bless your holy name. Lord Jesus, we 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 bless your holy name. 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 Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपके लहू की जय हो लहू की जय हो जय हो पवित्र लहू की जय पवित्र 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 लहू की जय 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 यीशु मसीह आपके पवित्र 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 सामर्थी लहू की जय पवित्र और सामर्थी लहू की जय पवित्र और सामर्थी लहू की जय हालेलुया हालेलुया आइए मिलके एक भजन गाएं छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से जुल्मो सितम वो सह गया जुल्मो सितम वो सह गया कितने ही प्यार से ओ कितने ही प्यार से गाइए छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया जीवन लुटा दिया देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से हालेलुया
ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता जी ऑनलाइन है हमारे साथ। ब्रदर आप प्रार्थना करेंगे इस सभा के लिए, दुआ करें। जी जरूर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे खुदा, हमारे पिता, आपकी दया कृपा अनुग्रह के लिए प्रभु, अल्लाह के प्रेम के प्रभु, जो हम पर आत्मिक दिन करते हो, हर क्षण हर घड़ी पर हर पल करते हो, आपकी दया कृपा अनुग्रह के पिता जाते हैं प्रभु। प्रभु आज का सुंदर दिवस प्रभु जी आपके द्वारा हमें आपने प्रदान किए हैं प्रभु जी, आपकी दया कृपा अनुग्रह के लिए सुंदर दिवस के लिए सुंदर जीवन के लिए। थैंक यू जीसस। दिया है प्रभु जी, जो आपने हमें इस सभा के लिए प्रभु एकत्रित किया है प्रभु जी, ये आपकी दया कृपा और आपका अनुग्रह। थैंक यू जी। इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम यहाँ। थैंक यू जीसस। और प्रभु जी आपके वचनों को आपके सेवक के द्वारा ग्रहण करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन व्यतीत करें प्रभु जी। अभी सभा को प्रभु जी पूर्ण विश्वास के साथ आपको अर्पण करते हैं प्रभु जी, पूरी इच्छा इस सभा के द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े प्रभु जी, और हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छा आपकी योजना के अनुसार प्रभु जी पूरी हो प्रभु जी, क्योंकि आपकी योजना प्रभु जी, प्रभु जी संपूर्ण दिवस को प्रभु जी इस समय को प्रभु जी आपके परम चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु जी, कि आप प्रभु जी इस प्राचीन मंत्र को आपके परम प्रिय पुत्र हमारे एक में उद्धार करता परम प्रिय यीशु मसीह के जलाल नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के जलाल नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी मैं भाई रवि प्रकाश के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में मैं आपका खून प्रभु जी छिड़कता हूँ आपके इस दास के ऊपर, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष का साया प्रभु जी आपके दास के ऊपर हो। प्रभु मैं इनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जॉब या बिजनेस, जो भी प्रभु आपकी मर्जी है, प्रभु भाई रवि प्रकाश गुप्ता के जीवन में मार्ग खोले प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके जलाली नाम में रास्ता खोले प्रभु जी। मैं आपका खून इनके जीवन पे, इनके घराने पे छिड़कता हूँ, यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। ब्रदर रवि प्रकाश जी, जय मसीह की। पुराने कहीं कोई दे दे जाई दे दो। हालेलुया। ब्रदर पास्टर पलूस जी, आप दुआ करेंगे, दुआ मांगिए। धन्यवाद यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो मेरे जिंदे जलाली खुदावन खुदा, कि आपने हम पर दया की पिता परमेश्वर जी, कि हमें आज भी आपने जिंदा रखा है मेरे परमेश्वर। आप महान, सर्वशक्तिमान, जिंदे और जलाली सामर्थ्य खुदावन खुदा हो पिता, इस समय को हम अपने आप को, अपने पास्टर जी को, पिता ये भाई को जो ऑनलाइन है पिताजी, और जितने भी ऑनलाइन है मेरे यहोवा तेरे हाथों में सौंप दें पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा प्रभु जी की सहभागिता पिता, पिता आज के दिन को पिताजी जो आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, और पिताजी हम जितने भाई बहन है पिता, इनके ऊपर अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष को मांगते हैं, पास्टर जी को, उनके बच्चों पर तेरे लहू को छिड़कते हैं पिता, अपने पूरे घराने पर तेरे लहू को छिड़कते हैं पिता, या ऑनलाइन सब मेंबर्स के घरानों पर तेरे लहू को छिड़कते हैं पिता, पिता आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आज हमें मना दे आप, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, और जो हम सीखें और अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष को पाए पिता, सब बातों को आपके ही हाथों में देता हूँ, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु जी हम भाई पलूस को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, भाई के ऊपर आपका गहरा हाथ हो प्रभु, अपने इस दास को अपने कामों के लिए तैयार करें, अपने लहू के द्वारा, अपने पवित्र वचन की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की शाश्वत शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया। ब्रदर ललित जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर। घर में आप अपने? हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना कीजिएगा, आप भी दुआ मांगिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य,
हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तेरा धन्यवाद अवून दोषमायो नित्यदा क्षमा ते ते हे माल खुदा नेहेवे शेव्याना एखाना दोषमाया आभरा खावनान लाखमा सुखानन यौमाना वास्वखलान हाव्येन एखाना देखनान सुखन लखाई में लताक मिस योना हेलाबासान मैन वेसाग मित्त लेलाही माल खुदा खाइला ते स्वोक्ता लखालम अलमीन आमीन। तेरा धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र लहू के सहाय जीने से आते हैं। खुदावन मेरे अंदर ऐसी कोई कुवत नहीं है प्रभु, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसा स्वाभाविक गुण है खुदावन, मैं अपनी माता के गर्भ में भी नहीं आया। मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह तेरे ही निष्कलंक लहू के द्वारा, तेरे पवित्र छुटकारे के लहू के द्वारा खुदावंद, वो प्रार्थना तू जानता है सब कुछ मेरे बारे में प्रभु जी, मेरे एक एक तू भ्रूण को जानता है प्रभु जी, मैं किस तरह अपनी माता के गर्भ में रचा गया तू सब कुछ जानता है। लेकिन खुदावंद मेरे में ऐसी कोई कुवत नहीं, मेरे में ऐसा कोई लियाकत नहीं है खुदावंद, लियाकत है तेरे पवित्र लहू के अंदर, पवित्र निष्कलंक मेमने का लहू प्रभु जी, उस पवित्र लहू के बाले में से प्रभु जी हम सर्वशक्तिमान सृष्टि करता हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सब कुछ महिमा लहू की है प्रभु जी, हम आपका आदर करते हैं, जलाल देते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। बहते रहे हैं खून के कतरे जमीन पर, बहते रहे खून कतरे जमीन पर, कतरे जमीन मेरे दिल के दाग वो धो गया, बहती धार दिल के दाग वो धो गया, बहती धार से जुल्म सितम 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 वो सह गया, जुल्म सितम वो सह गया, कितने कितने प्यार से कितने कितने ही प्यार से चलनी चलनी हो गया की माँ की माँ घोड़ों। प्रभु जी मैं भाई ललित के लिए और भाई सोनू त्रांबा के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों जिस समय स्क्रीन पे प्रभु जो कलवरी से सोता बहा फसा के आप हमारे लिए कुर्बान हुए, फसा का मेमना कुर्बान हुआ आपका दास प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए आओ हम फसा के पर्व को मनाएं, अपने अंदर से गंदा खमीर निकालें और बिल्कुल नई डो बन जाएं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की कुदरत के द्वारा, परमेश्वर के कलाम की सामर्थ के द्वारा। प्रभु भाई ललित को सोनू चांबा को मैं आपके खून इनके ऊपर आपका खून छिड़काव करता हूँ जो आपने फसा के दिन बहाया। प्रभु जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, उनमें से एक एक जन को आपके कील सीधे हाथ में देता हूँ, आपके खून की ओट में छिपाता हूँ खुदावन, एक एक जन को अपने लहू की ओट में रखे खुदावन, यीशु के जलाली नाम में आमीन। जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. आज फसा का दिन है, फसा की रात्रि आने वाली है, यीशु मसीह ने स्वयं ये पर्व मनाए और यीशु मसीह के चेले भी ये पर्व मनाते थे। जब कॉन्स्टेंटाइन ने निसियन क्रीड एस्टैब्लिश की
उसके बाद परमेश्वर के ये पवित्र पर्व बाइबल में से निकाल दिए गए और उन पर्वों को बीच में मिला दिया गया जो प्रभु के नहीं है। तो ये गुड फ्राइडे नहीं, असल में ये है पास ओवर, पीशाक, फसा का पर्व। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं। कुछ लोग जो ये कंटेंड करते हैं कि परमेश्वर के पर्व खत्म हो गए, यीशु मसीह ने खत्म कर दिए, व्यवस्था खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आज मैं उन लोगों को वचन का आईना दिखाना चाहता हूं। आज एक और सेशन करेंगे, रात को भी सेशन करेंगे, मैं शाम को झुग्गी झोपड़ियों के बीच में, वो जिप्सी ट्राइबल लोग हैं जिनके बीच में आज फिर जाऊंगा और वहां पे भी एक छोटी सी सभा हम करेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल खोलें और आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का एक वचन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के एक वचन में परमेश्वर का श्रेष्ठ दास प्रेरित पलूस कलीसिया से आग्रह करके कहता है, क्या कहता है? इमिटेट मी एज इवन आई इमिटेट क्राइस्ट। मेरा अनुसरण करो, मेरी नकल करो, मेरे मार्ग पे चलो, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पे चल रहा हूं। इमिटेट मी, मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेरित पलूस क्या क्या अनुसरण करता है। हालेलुया। किस चीज के लिए अनुसरण करता है? सबसे पहले मैं आपको वचन दूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, मैं ये वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं चाहता हूं आप भी पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका हम पढ़ेंगे 5 अध्याय। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय निकालिए प्लीज। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 5 के कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। देखिए प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है पहला कुरिन्थियों 5:6 से, पहला कुरिन्थियों 5:6, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे आटे को खमीर कर देता है। प्रेरित पौलुस खमीर की बात करता है, थोड़ा सा खमीर, यीस्ट, पूरे गूंधे आटे को खमीरा कर देता है। प्रेरित पौलुस जब खमीर की बात कर रहा है, प्रेरित पौलुस मनुष्य के DNA के अंदर छिपे हुए पाप की बात कर रहा है, मनुष्य के पापी स्वभाव की, मनुष्य की पापी प्रवृत्ति की बात कर रहा है, वो सिन जो मनुष्य के अंदर है। परमेश्वर का वचन बताता है, ये बाइबल बताती है कि मनुष्य पापी इसलिए नहीं है कि क्योंकि मनुष्य पाप करता है, इसलिए पापी नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य पाप करता ही इसलिए है क्योंकि वो पैदा ही पाप के बीज से हुआ है। अनुवांशिकता में, विरासत में मनुष्य को पाप से ग्रसित DNA मिला है। जो जीनोम से हम पैदा हुए हैं, हमारे पिता का अंश जो हमारी माता के क्रोमोसोम से मिला है, वो पाप से ग्रसित हैं। इसलिए मनुष्य पाप करता है क्योंकि उसके अंदर बीज ही पाप का है। जो पाप मनुष्य करता है वो केवल फल है, लेकिन असली पाप जो हमें अनुवांशिकता में आदम से मिला है। हालेलुया। प्रथम मनुष्य ने पाप किया और उसके द्वारा पाप पूरी मानव जाति में फैल गया। तो प्रेरित पौलुस कहता है उस खमीर को निकालो पाप के। परमेश्वर के वचन में खमीर को दो बातों से रिप्रेजेंट किया है, एक तो पाप जो हमारे अंदर रहता है और आदम से हमें मिला है, दूसरा झूठी शिक्षा, हाइब्रिड टीचिंग, सांप का बीज परमेश्वर के बीज में मिला के दी जाने वाली शिक्षा, परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश की गई शिक्षा, जो आज के बहुत से झूठे नबी, बहुत से झूठे प्रेरित, बहुत से झूठे पापा डैडी बांटते हैं लोगों को। परमेश्वर के कलाम की झूठी शिक्षा तोड़ मरोड़ के हाइब्रिड करके दी गई शिक्षा। तो लिखा पुराना खमीर निकाल के अपने आप को शुद्ध करो कि तुम गूंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो।
खमीरी अनलेवेंड, आपके अंदर से खमीर निकलना चाहिए। आपको मालूम, मैंने आपको बताया ये 7 पर्व हैं। पहला पर्व है फसा का, जो आज हो रहा है, आज फसा की रात है, चांद पूरा होगा आसमान में, आज वो रात्रि है जब हमारा मुक्ति दाता अपने ही एक दोस्त के द्वारा उसे बिट्रे किया गया, दगा दिया गया और 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया गया। आज हमारे स्वामी के विश्वासघात की रात है, बिट्रेल की रात है, आज हमारे स्वामी के महान कलेश और पीड़ा की रात है। तो पहला पर्व है पीशाक फसा, दूसरा अखमीरी रोटी। आपको मालूम वो अखमीरी रोटी क्या है? वो रोटी जो हम तोड़ते हैं वो यीशु मसीह की देह है। इस पृथ्वी पे एक ही रोटी उतरी जो अखमीरी है, वो है खुदावंद यीशु मसीह की देह। उसमें पाप का डंक नहीं था, यीशु मसीह के डीएनए में पापी स्वभाव नहीं था, यीशु मसीह के अंदर स्वर्गीय खून था, यहोवा का खून। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा, तेरी कोख में जो बालक जन्मेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मेगा, जो पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा। मरियम की कोख में पवित्र आत्मा गया और परमेश्वर का बीज वहां पे डाला। मनुष्य का बीज, यूसुफ का बीज नहीं डाला गया, यहोवा का बीज डाला गया। इसलिए वो जो देह है प्रभु यीशु मसीह की, वो पारलौकिक है, वो स्वर्गीय है, वो अति पवित्र है, वो परिशुद्ध देह है। उस शरीर जैसा शरीर पृथ्वी के ऊपर नहीं आया, वो अखमीरी रोटी है। एक ही रोटी है जो अखमीरी है, वो है प्रभु यीशु मसीह की देह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. वो अखमीरी रोटी हम खाते हैं बिना खमीर के, बिना पाप के डंक के। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? ताकि हम भी अखमीरी रोटी बने। ये सब बातें पर्व की कर रहा है, फसा का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। और आगे क्या कहता है? क्योंकि हमारा फसा जो मसीह है, फसा हमारा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। वो फसा का मेमना है जो आपके और मेरे लिए कुर्बान हुआ है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के लिए जाता है। अन्य जातियों में से बनी हुई कोरिंथ की कलीसिया को प्रेरित पौलुस फसा मनाने की शिक्षा दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना पर्व खत्म हो गए, यीशु मसीह ने सारे पर्व मनाए, यीशु मसीह के चेले सारे पर्व मनाते थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं परमेश्वर के कलाम में से। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय का पहला वचन पढ़े, वहां पे लिखा है, When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and one mind, and they were intensely praying. For a protracted period of time, for 10 days, they did not dismiss the service. They did not depart to their homes. They continually, steadfastly kept on seeking the face of the Lord. 10 दिन वो लगातार प्रार्थना करते रहे और यीशु मसीह, हालेलुया, पहले फल के बाद, पहले फल का पर्व है ये, तीसरा पर्व, फसा, पासओवर, अनलेवेंड ब्रेड, फर्स्ट फ्रूट, यहां से यहां तक, ये है पेंटेकोस्ट। जीसस रिमेन्ड विद द अपोस्टल्स, दिखाई देता था उन्हें 40 डेज एंड 40 नाइट्स, 10 डेज उन्होंने प्रार्थना की, 50th डे पेंटेकोस्ट, होली स्पिरिट आया, कौन से दिन? पंतेकुस के दिन। वो पंतेकुस का पर्व मनाने के लिए हैकल में थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो रियल पेंटेकोस्ट हो गया। पेंटेकोस्ट रियल क्या है? जब ऊपर से पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, when the Holy Spirit is poured out, when the cloven tongues of fire descend, when human bodies are invaded by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. That is Pentecost. पंतेकुस का दिन वो मना रहे थे,
हालेलुया। और पहला कुरिंथियों उसका 16 अध्याय निकालिए, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर नंबर 16, पहला कुरिंथियों का 16 पढ़े जल्दी से, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर नंबर 16, पहला कुरिंथियों 16 और उसका 8 वचन, फर्स्ट कुरिंथियंस 16 वर्स नंबर 8। परंतु मैं पिंतेकुस्त तक इफिसस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए यहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। क्या कहता है प्रेरित पौलुस? कहता मैं पिंतेकुस्त का पर्व इफिसस में ही मनाऊंगा और पर्व मनाने के बाद जाऊंगा। तो प्रेरित पौलुस पिंतेकुस्त का पर्व मना रहा है। अभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरे, पाताल में गए, मुर्दों में से जी उठे, 40 साल के करीब हो गए, लेकिन प्रेरित पौलुस अभी भी यह पर्व मना रहा है। हालेलुया। अब पढ़िए आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसका 6 वचन, सुने 5 से पढ़ता हूं। वे आगे जाके त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। यहां पे दूसरे चेले इंतजारी कर रहे हैं, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस की, और साथ में लूका भी है और सिलास भी है, वो इंतजारी कर रहे हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस, लूका और सिलास गए नहीं। क्यों? क्योंकि वो अखमीरी रोटी का पर्व मना रहे हैं। पौलुस, सिलास, लूका और विश्वासी लोग जो नए विश्वासी हैं, वो अखमीरी रोटी का पर्व मना रहे हैं। ये बहुत से साल बाद की बात है, चेले पर्व मना रहे हैं। हालेलुया। तो अगर ये पर्व खत्म हो गए होते, जैसे कुछ झूठे प्रचारक कहते हैं, व्यवस्था खत्म हो गई, पुराना नियम खत्म हो गया, पर्व खत्म हो गए, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, तो ये प्रेरित क्यों मना रहे हैं पर्व? ये प्रेरित पर्व मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये गए नहीं वहां पे, पर्व तक रहे और दूसरे चेले इनकी प्रतीक्षा करते रहे। अब मैं आपको देना चाहता हूं प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके पहले 4 वचन। यहाँ पे हेरोदेस राजा की बात है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जेल में डाल रहा है, उन्हें दंडित कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग इसे देख के खुश हो रहे हैं। तो यहूदियों को खुश करने के लिए वो क्या करना चाहता है? परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित पत्रस को पकड़ लेता है। और उन दिनों में कौन सा पर्व मना रहे हैं प्रभु के लोग? अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जा रहा है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 1-4 वचन को पढ़ ले। अखमीरी रोटी का पर्व कलीसिया भी मना रही है। हालेलुया। और हेरोदेस उस पर्व के दौरान पकड़ना चाहता है यहूदियों को कुछ करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 वचन से 25 वचन को पढ़े। प्रेरित पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से मिली, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया प्रेरित पौलुस को। किस चीज का दर्शन? प्रभु भोज का दर्शन। प्रभु भोज क्या है? फसा का पर्व प्रभु भोज है। जो फसा का भोजन यीशु अपने चेलों के संग खा रहा है, वो विश्वासियों के लिए प्रभु भोज है। हालेलुया, वही फसा का पर्व है। तो प्रेरित पौलुस क्या लिखता है पहला कुरिन्थियों 11 के 23 से 25 तक, कि ये बात मुझे प्रभु ने सौंपी है। ये पर्वों का भेद प्रभु ने स्वयं मुझे दिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। जिस रात वो पकड़वाया गया, हालेलुया, कौन सी रात वो पकड़वाया गया? फसा के पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। तो 18 अध्याय प्रेरितों का काम निकालिए, 18 अध्याय प्रेरितों का काम और उसका 20-21 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। 18 अध्याय प्रेरितों के काम 20-21। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु ये कह के उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा और आगे लिखा है
यहाँ पे हिंदी में उसे पूरा नहीं लिखा, लेकिन दूसरी ट्रांसलेशन में उसको पूरा लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रेरितों के काम 18 अध्याय। हालेलुया। मैं ESV से पढ़ रहा हूं आपके लिए। सुनिए क्या लिखा पवित्र वचन में। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है? When they asked him to stay for a longer period, he declined. But taking on the leave, he said, "I will return to you." मैं फिर प्रभु का दास परम बनाने के लिए जाता है और कहता है मैं फिर वापस लौट के तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि वो यरूशलम में परमेश्वर का परम बनाना चाहता है। यरूशलम में जाके कौन सा पर्व है? ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। मैंने बताया ये देखे पसा, पासओवर, ये है दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का, अनलेवन ब्रेड, ये है पहले फल का पर्व, ये है पंतिकुस का पर्व, ये है तुरियों का पर्व, ये है अटोनमेंट प्राश्चित का पर्व जिसे योम किपुर कहते हैं, ये है सुकोत या सूखा जिसे हम झोपड़ियों का पर्व कहते हैं। तो फसा, पंतेकुस और सुकोत, ये तीन पर्व को मनाने के लिए यहूदी लोग हमेशा यरूशलम जाते थे। अब प्रेरितों के काम में से एक और वचन देता हूं आपको, प्रेरितों के काम का 27 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ो। प्रेरितों के काम 27 का 9 और 10 सुनो। इसलिए जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। ये उपवास के दिन कौन से दिन है? ये जो पर्व है प्राश्चित का पर्व, इसे कहते हैं योम किपुर। जब ये पर्व आता है, इस पर्व के आने से 10 दिन पहले परमेश्वर के लोग उपवास में प्रभु के आगे बैठते हैं। क्यों? वो ये मानते हैं योम किपुर का जो पर्व है प्राश्चित के दिन का पर्व, उस दिन यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में लोगों के जीवन की पुस्तकें खोलता है और लोगों का न्याय किया जाता है। जो लोग इस पर्व के दौरान 10 दिन अपने मार्ग प्रभु की ओर मोड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, उन लोगों को प्रभु क्षमा करता है। यदि प्रभु ने किसी को दंड देने की योजना बनाई है, लेकिन इस 10 उपवासों के दौरान वो व्यक्ति सर पे राख ओढ़ के, टाट पहन के, पश्चाताप के आंसुओं के संग प्रभु की ओर मुड़ता है पूरे हृदय से, तो प्रभु यहोवा क्या करते हैं? प्रभु यहोवा क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। तो योम किपुर का पर्व प्रेरित पुलुस उपवास के साथ मना रहा था। कब? जब वो समुद्री जहाज के अंदर था। तो ये जो पर्व है, सातों पर्व, इन्हें कहा गया है 23 अध्याय लेवी व्यवस्था। ये मैं सेशन दोबारा करूंगा 5 बजे या 5:30 के बीच एक सेशन करेंगे, जब हम ये पर्व, इन पर्वों को हिब्रू भाषा में कहा गया मोएड या मोअदीम। ये पर्व क्या है? 23 अध्याय लेवी व्यवस्था, मैं वहां से पढ़ता हूं आपके लिए, फिर हम अगले सेशन में इन पर्वों के ऊपर और गहराई से अध्ययन करेंगे। ये जो सच्ची और खरी शिक्षा है भाई और बहनों, ये शैतान ने कलीसिया से चोरी कर ली है, जो परमेश्वर कलीसिया में बहाल करना चाहता है। सुनो प्रभु क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व, किसके पर्व है ये? ये यहोवा के पर्व है जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा। मेरे ये पर्व है, ये यहोवा के पर्व है। फिर अगर आप पढ़े इसका चौथा वचन, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा,
वो ये है, 23 अध्याय में यहोवा के सात पर्व हैं ये। इन्हें यहोवा कहता है इब्री भाषा में मोआडीम। आपको मालूम मोआडीम का मतलब क्या है? मोएड, मोआडीम, जिसे हम पर्व कहते हैं, ये कोई धर्मी धर्मी मेले नहीं है, ये कोई मजहबी गैदरिंग नहीं है, ये कोई रिवायती इंसान के बनाए हुए कोई ऐसे त्योहार पर्व नहीं है। ये यहोवा की ओर से ठहराई गई ऋतु हैं, सीजन्स हैं, समय हैं। ये वो समय है जब स्वर्ग खुलता है और यहोवा की हजूरी अपने लोगों पे उतरती है। ये वो समय है जब स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा लोगों के ऊपर करुणा करता है, लोगों पे दया करता है। ये वो पर्व है भाइयों बहनों, ये वो समय है जब स्वर्ग की खिड़की खुलती है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, फाटक खुलते हैं स्वर्ग के, और यहोवा अपने लोगों से मिलता है, आशीष देता है। इसलिए ये पर्व बड़े महत्वपूर्ण है, ये यहोवा के पर्व है, यहूदियों के नहीं है, ये खत्म नहीं हुए, ये सदा काल के लिए है। मैं दूसरा सेशन जो 5:30 के बीच करूंगा, उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा गहरी बातें। बहुत सारे लोग जिन्होंने पर्व मनाए मेरे साथ पिछले सालों में, परमेश्वर ने उनके बंधन तोड़े हैं, कई लोगों को जॉब्स मिली हैं, कई लोगों के जिनके बच्चा हो ही नहीं सकता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, उनको परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। दिल्ली में एक मिरेकल हुआ, उसको बच्चा हो नहीं सकता था बहन को, पर्व के दौरान ही प्रार्थना जब मैंने की पर्व के दौरान, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। एक और बहन जिसको जिसकी बच्ची है अभी, पर्व के दौरान सब दरवाजे बंद थे उनके लिए। ये पर्व में बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, ये पर्व में परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, ये पर्वों के दौरान परमेश्वर अपना चेहरा अपने लोगों पे चमकाता है, ये पर्वों के दौरान स्वर्ग से स्वर्गदूत रिलीज होते हैं, स्वर्गदूतों को यहोवा परमेश्वर डिस्पैच करता है। हालेलुया। स्वर्गीय आशीषों को उंडेलता है यहोवा परमेश्वर। लेकिन दुख ये कि कलीसिया में शैतान ने शैतानी पर्व डाल दिए और यहोवा के पर्व चुरा लिए। हालेलुया। तो 5:30 बजे फिर हम मिलेंगे, आइए हम शोफार ब्लो करते हैं। ये शोफार पर्वों पे ब्लो किया जाता है और इसकी आवाज से परमेश्वर के एंजल रिलीज होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से शरीर चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके लहू की जय जयकार करता हूं, आपके लहू की जय जयकार हो, लहू की जय जयकार। प्रभु भाई राजकुमार दास को आशीष दें, दिल्ली से हैं, ब्रदर हेरन दिल्ली से हैं, प्रभु अपने दास को उनके परिवार को आशीषित करें, अपने लहू में छिपाएं। ब्रदर बॉबी आर्ट को अपने खून में छिपाइए प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपके लहू की जय जयकार हो, आपके लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार। प्रभु राजकुमार दास, ब्रदर हेरन, प्रभु दोनों दिल्ली से हैं, मैं आपका खून इनके ऊपर छिड़कता हूँ खुदावन, आपके लहू की ओट में रखें अपने लोगों को, खून की ओट में छिपाइए खुदावन। प्रभु भाई बॉबी आर्ट को मैं आपके खून में छिपाता हूँ, इस भाई को भी संतान की ब्लेसिंग दे दीजिए खुदावन, जो बरकत ये भाई ढूंढता है, इसे इसकी पत्नी को आशीषित कर दीजिए स्वर्ग के झरोखे खोल के। प्रभु पास्टर लखविंदर को उनकी पत्नी को आज बरकत दे, उनकी एनिवर्सरी हो चुकी है कल, प्रभु की ब्लेसिंग को खोल के उनके ऊपर की सेवा को बढ़ाइए खुदावन। जो जवान है DBN में, उन सब पे आपका लहू छिड़क दे खुदावन। प्रभु अजय सूरी को बरकत दे, अपने खून में छिपाए। हालेलुया। प्रभु जसवीर को आपके लहू में छिपाता हूँ,
तनुजा सेठ को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावन, राजन सेठ को, सृष्टि को, सुकृत को आपके लोग में छिपाता हूँ। हालेलुया प्रभु, मैं यीशु के जलाली नाम में रीना खान को, रमन खान को, उनके घराने को, विशेष तौर पे ब्रदर रमन की मदर को आपके लोग में छिपाता हूँ। खुदावन मीनू सूद को अपने खून में छिपाइए। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं मीनू सूद के लिए जो अभी स्क्रीन पे आ रही है, खुदावन ये आपकी बेटी है, आपकी दासी है, इसको इसके पति को आपके कील सीधे हाथ में देता हूँ, आपके खून में प्रभु इनके घराने को छिपाता हूँ, खास करके इनके बेटे को याद करता हूँ जो कनाडा में है, इनकी बहू को और इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को आपके खून की ओट में लेके आता हूँ। हालेलुया प्रभु आपका जीवित नाम आशीष पाए खुदावन, इनके जीवन में आपके जीवित नाम की महिमा हो, प्रभु आपके जीवित नाम की महिमा हो, जीवित नाम प्रभु इन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, अपने जलाल के लिए, अपने काहों के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपका लहू छिड़ता हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की जय। प्रभु जी मैं पास्टर राजेंद्र कुमार जॉन को आपके लहू में छिपाता हूँ, सिंथिया राइट को आपके लहू में छिपाता हूँ, कैलाश कुरिया भाई को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन, जस्सी जस्सी को आपके लहू में छिपाता हूँ, शीतल विक्की नेगी को आपके लहू में छिपाता हूँ, साबी सुरजीत को, उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ, दीपिका सरकार को आपके खून में छिपाता हूँ, पास्टर मनजीत सिंह उसके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ, पास्टर रमन कुमार को हालेलुया आपके खून में छिपाता हूँ, जस्सी सिंह पे आपकी आशीष हो, सनी क्रिश्चियन पे आपकी आशीष हो, हालेलुया विपिन शर्मा को, डेजी वीएस को खुदावन सबको आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु मंजीत बसरन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आशीष का हाथ बढ़ाए, मानिका सब्रवाल को अपने खून में छिपाए, सतनाम मीमी को अपने लहू में छिपाए, सतनाम मीमी के घराने पे आपकी आशीष हो, पास्टर चंदन मसीह को अमृतसर से अपने लहू में छिपाए, रॉबिन सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन, रवि प्रकाश गुप्ता पे आपका लहू छिड़कता हूँ, सनी क्रिश्चियन पे आपका लहू छिड़कता हूँ, ब्रदर पलूस फोकर पे, सोनू चांबा पे, सरबजीत सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, प्रभु जी आपके जलाली नाम की जय जयकार हो। दिल की बात खुदा से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उसके रूह की आग में जलना अच्छा लगता है, दिल की बात खुदा से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद। हरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका लहू छिड़क देते हैं सब लोगों पे, इवेंजेलिस्ट आर मैथ्यू पे आपका लहू छिड़कते हैं, प्रभु आपके दास ब्रदर बत्रा पे आपका लहू छिड़कते हैं, आपकी आशीष का हाथ हो भाई बत्रा पे, उनके घराने पे बता रहा हूँ। हालेलुया जय मसीह की।
ब्रदर बत्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं भाई बत्रा को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी आशीष का हाथ हो भाई के जीवन पे। प्रभु, अपने जीवन में जो कार्य ये करना चाहते हैं प्रभु, जो रुकावटें हैं प्रभु, आपके दूत उसे हटा दें। आपकी आशीष, आपकी बरकत प्रभु जी भाई के घराने पे उतरे। यीशु मसीह, आपके जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन। दीपिका सरकार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष आपका हाथ हो। हरजीत सिंह पे आपका हाथ हो खुदावन। सोनू चांबा के परिवार पे आपका हाथ हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। 5:30 के बीच में फिर आपसे मिलता हूँ, और शाम को हम प्रभु भोज भी करेंगे। सबको जय मसीह की।